उस निजीकरण के चलते कहीं भी कोई भी सफाई करने वाले कर्मचारियों का आज किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। ये सही है कि गलत है? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? आज हजारों की तादाद में पूरी दिल्ली में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि महीने महीने साल साल तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है। और ये केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार हमें फुटबॉल के रूप में बना रहे हैं। एक लात उधर मारता है, दूसरी लात इधर मारता है। विशाल मेरा छोटा भाई था, अभी 19 ईस की एज थी, लेकिन मेरे से कहता था, भाई आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करो, बाकी घर मैं चलाऊंगा। तो विशाल और एक और जो लड़का था, इन दोनों को एक टैंक में उतारा। थोड़ी देर ये लोग थे, फिर एक बाहर आ गया, मेरा भाई अकेला था उसमें। तीन टैंकों की सफाई करनी थी और सीढ़ी केवल एक प्रोवाइडेड थी, और ऊपर चार लोग थे, उन्होंने सीढ़ी खींच ली, विशाल अंदर ही था। मेरे पति को मतलब जाली का बहाने से ले गए थे, और सीवर में जानबूझ के गिराया गया था, उसमें पूरन है, डिप्पी है, और बालकिशन है, बिल्लू है, बिल्लू का बाप है, मतलब चार पांचों का हाथ है इसमें, जो कि गिराया गया था। और घर पे धमकी दे के गए थे, अगर रहना है तो ढंग से रहे, नहीं तो हमारे मतलब दबाव से काम करवा रहे थे उनसे। बाकी चार लोग दो दो एक एक टैंक में उतर गए, दो पर्सन एक टैंक में। तो वो लड़का एक पानी लेने गया हुआ था, वो आया, वापस आया तो उसने विशाल को आवाज़ लगाई, तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो फिर उसने टैंक में देखा तो विशाल का हाथ दिखा, तो उसने पास में एक इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन था, उसको बुलाया। तो दो लोगों के संभाल में नहीं आने वाला था, मेरा भाई हेल्थी था, हाइट भी अच्छी थी उसकी। तो दो लोगों को और भी बुलाया इंजीनियर रूम से, बेल्ट और रस्सी लेके आया, उन्होंने रेस्क्यू किया, मेरा भाई जिंदा था उस टाइम। तो जबरदस्ती काम करवाया, उससे दूसरे दिन इनकी मुक्ति कर दी। वीरवार को काम करवाया, शुक्रवार को खत्म कर दिया उनको। अब तो मैं मैडम अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, कौन बच्चे पालेगा, कौन क्या करेगा। बाद ढाई घंटे लगभग जिंदा था, उसके बाद भी हर जगह लापरवाही हुई। वहाँ टैंक में घुसा है, वो तो लापरवाही हो चुकी है, उसके बाद भी जो तुम लापरवाही कर रहे हो, ये बहुत दुखदायक बात है। वहाँ जब लेके गए ये आरएमएल में स्ट्रेचर पे मेरे भाई को लिटाया, और एम्बुलेंस वापस आ गई। मेरे भाई के साथ वहाँ कोई भी नहीं था, मेरा भाई बोल नहीं पा रहा था, वहाँ स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ। और हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, साथ में सुनवाई होती नहीं है, तो वो तो बोल भी नहीं पा रहा था, तो वहाँ पे भाई की डेथ हुई थी मेरी। एक ही लड़का कमाने वाला था, वो भी चले गया, भगवान लेके गए। शिवर लाइन की मौत से तो हमको अभी डर लगता है, सरकार कुछ कोई मदद करेगा, हम हौसला नहीं, हम आ गए उतने दूर से। मेरा नाम दीपक यादव है, मैं शिवर डेथ में जो पांच मौतें हुई थी, मैं उनका पंकज यादव, मैं उनका भाई हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ कि भाई अभी कुछ भी नहीं हुआ है जो उनके साथ हुआ, ना तो कोई मुआवजे का ऐलान हुआ है, ना तो कुछ, ना तो कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है, जो इसमें कंपनी है डीलर JLL उन्नति करके, ये सब कंपनियाँ ना तो कुछ सपोर्ट कर रही हैं, ना तो हमसे बात कर रही हैं। नई उम्र का बच्चा ये उसका कार्य करता है, क्यों इसके भी बच्चे ने, इसकी माँ बाप पाए, इसकी माँ भी रेलवे ट्रैक पर काम करती है, जो ट्रैक से जो लेटरिंग करती है ना, उनको उठा करके नहीं, जो उन्हें बाहर फेंक के आती है। ये लेटरिंग के जो टैंक होते हैं उनसे मल निकालते हैं, कांधे पे ढोते हैं, उसको खाली करने शहर के बाहर जाते हैं, जब ये अपना घर चलाते हैं, और उसी टैंक में किसी भी कारणवश गैस के कारण की मृत्यु हो जाती है। बीमारियां तो लगेंगी शरीर में, और धीरे धीरे बीमारियां लगेंगी तो कीटाणु अंदर जाएंगे, उसके कीटाणु अंदर जाएंगे तो शरीर धीरे धीरे घटता ही चला जाता। और मैं तो ये सोचता हूँ कि करीब 40 वर्ष की उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की उम्र में हमारा जो नवयुवक है वो बुढ़ा दिखाई देने लगता है एकदम। कोई नाम नहीं दिया जाता उन्हें, सिर्फ डरा धमका के 10-20 हज़ार लाख दे के डरा धमका बैठा दिया जाता है, निश्चित ही, क्योंकि दबंग आदमी दे नहीं है, क्या करेंगे, हम काम रोकेंगे, दो दिन रोकेंगे, तीन दिन रोकेंगे, लास्ट में काम पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमें पालने हैं जी। हमारा तो ये परंपरागत काम है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते, आज हमने किया, कल हमारे बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते। देखिए 25-30 साल से हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और पहले गुजरात की हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट का, और अब देख रहे हैं कि कानून भी बन गया 2013 में, उसके बावजूद कहीं लागू नहीं हो रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं। इसी से एक महीने सितंबर में
दिल्ली में 6 मौतें हो गई। तो इससे पता लगता है कि सरकार पूरी तरह उदासीन है और सरकार को जगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको accountable ठहराया जाए। Change has to happen today. We have to demand that manual scavenging is not ended just nominally and in law, but actually in society and in practice. And this is not a technological issue. This is a social issue. People have in our country have to go into the sewers because they're Dalit. So many countries in the world do not need manual scavenging to clean their sewers, right? Why not? Because they don't have caste. We do. So this is really about caste, and the question is to the Prime Minister that you're talking about Swachh Bharat and you're posing with brooms, while the people who are really wielding the brooms are having to die inside sewers. हमें कोई अच्छा रोजगार दिया जाए, हमें नौकरियां दी जाए। नगर परिषद में अभी भी बीजेपी सरकार ने क्या है कि जो हमें सफाई कार्य की जो नौकरियां मिलती थी उसमें भी सवर्णों को भर दिया, उसमें ओबीसी को भर दिया। In Delhi, people must have seen the piles of garbage in the last few days. Why is that? Because for the nth time, Safai Karamcharis in Delhi are on strike because they have not been paid wages. And this happens in city after city that Safai Karmis are not paid wages. And this is also something that we should highlight. This is an absolute atrocity. How can you ask them to do unwaged work? महिलाओं की स्थिति भी खराब ही है। उन्हें कोई ऑफिस का नहीं पता होता है, कोई कागज़ ऑफिस में देना है, कैसे उन्हें सैलरी लेनी है, उनका कितना सैलरी बनती है, उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इवन महिलाओं का और पुरुषों की सैलरी में काफ़ी अंतर है, महिलाओं को कम दी जाती है, पुरुषों को ज़्यादा भी दी जाती है कई जगह। तो मैल है ये जो सीवर में जिसका दम घुट रहा है वो सिर्फ आपके पति और भाई और बच्चे नहीं है जिनका दम घुट रहा है, ये भारत का संविधान है जिसका दम घुट रहा है उस सीवर के। प्रिय साथियों, हम ये मानते हैं कि सीवर डेथ के नाम से वो कहते हैं कि मृत्यु हुआ है, लेकिन मेरे प्रिय साथियों हम लोग सब जानते हैं ये मृत्यु नहीं, ये हत्या है। ये हत्या उस जाति प्रथा की तरफ से है जो दलितों को जाति के आधार पर नागरिक के आधार अधिकार से वंचित रखते हैं। ये किसी कोर्ट से नहीं होगा, किसी सरकार से नहीं होगा, अपने हाथ उठाने होंगे। अब हाथ जोड़ने की बजाय मुट्ठी बंद करके उठानी होगी, टोकरी उठाने की बजाय आवाज उठानी होगी। आम लोग पे कोई गुलाम नहीं है, ये आजादी देश पे हम नागरिक है, हमारा का जीने के हक है, संविधान के रूप से जीने के हक सबका है। आप कैसे हमारा का मार सकते, आप कैसे मार सकते, हम मैंने ये देश का प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। आपका दूसरा काम कुछ नहीं है, बंद करो, सारा बंद करो। We want to tell the Prime Minister, you cannot kill us like this. You cannot kill us like this. You must announce how you are going to prevent the deaths in the sewer line and septic tank.